रुड़की बस स्टैंड के नजदीक एक होटल में आज चेकिंग के दौरान रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 युवक युवतियों को एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया। दिनों से मुखबिर द्वारा SP देहात मणिकांत मिश्रा को सूचना मिल रही थी कि रुड़की बस स्टैंड के नजदीक अपना गेस्ट हाउस में देह व्यापार का धंधा काफी समय से चल रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी साधना त्यागी ने फोर्स के साथ गेस्ट हाउस पर छापेमारी की, जिस पर गेस्ट हाउस के कमरों में से रंगे हाथ पुलिस ने रंगरलियां मनाते हुए कुछ युवक युवतियों को धर दबोचा, जिनके पास से अश्लील सामग्री भी बरामद हुई है। वहीं सेक्स रैकेट में और भी लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिस पर उनके फोन कॉल भी खंगाले जा रहे हैं। कोतवाल साधना त्यागी ने बताया कि गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस ने पहले भी देह व्यापार के धंधे में गिरफ्तार किया था, जबकि आज भी वह होटल स्वामी पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना कर दिया गया है। SP देहात मणिकांत मिश्रा ने बताया कि देह व्यापार का धंधा करने वाले ऐसे होटलों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि रोडवेज के सामने अपना गेस्ट हाउस, इसमें कुछ अवैध लोग आके ठहरे हुए हैं जो सेक्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। इस सूचना पे मैंने अपनी टीम के साथ रेड डाली है, जिसमें कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लड़कियाँ हैं, और अभी उनसे पूछताछ चल रही है कि वाकई ये सेक्स रैकेट है या ये व्यक्तिगत रूप से ठहरे हुए हैं। इत्तफाक है कि ये होटल संचालक जो है पहले भी एक बार सिद्धार्थ गेस्ट हाउस चला रहा था, तब भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, और अभी भी ये अपना गेस्ट हाउस उसी मालिक का है। क्या नाम है? मालिक का नाम आलिम है। हाँ, अगर ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो अभी भी कार्रवाई जारी है।